सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर MP ये फॉर्म भरने के लिए इसकी साइट खोलना है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर पैरामेडिकल स्टाफ, तो जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट है 15/7/2021 से स्टार्ट है ये फॉर्म। इस फॉर्म की लास्ट डेट 14/8/2021 है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए इस पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा, आपका जो फॉर्म है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देना है। तो यहाँ पर अप्लाइंग फॉर पोस्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म अपना, तो वो यहाँ से जैसे डार्क रूम असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, या लैब असिस्टेंट, या लैब अटेंडेंट, या फिर फार्मासिस्ट ग्रेड 2, प्रोस्टो टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, या टेक्नीशियन, इसमें से जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मान लो मैं ये लैब अटेंडेंट, इसके लिए फॉर्म भर के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नेम, इस बॉक्स में अपना नाम डाल देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है इस बॉक्स में, यहाँ पर मदर्स नेम डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ से सेलेक्ट कैटेगरी पे सेलेक्ट करके यहाँ से अपनी SC ST जनरल OBC जो भी हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इंडियन आ जाएगा, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको, मेल या फीमेल जो भी हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आर यू डोमिसाइल ऑफ MP, तो यहाँ से आपको यस कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आर यू एक्स सर्विस मैन हो तो यस करके उसकी डिटेल देना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आर यू फिजिकल हैंडीकैप, तो यहाँ से आपको नो कर देना है, अगर हैंडीकैप में आते हो तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको अपना रोजगार पंजीयन नंबर डाल देना है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आपको मैरिड है या सिंगल है इस पर टिक कर देना है। उसके बाद में अगर मैरिड है तो यहाँ पर ये डिटेल दे देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल देना है सबसे पहले। यहाँ पर पासिंग ईयर आ जाएगा 10th क्लास का, यहाँ पर बोर्ड नेम आ जाएगा किस बोर्ड से आपने 10th पास किया है, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर इस बॉक्स में परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल डाल देना है, यहाँ पर हायर सेकेंडरी में PCB सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देना है, यहाँ पर बोर्ड नेम डाल देना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम डाल देना है आपका, कॉलेज का नेम, या इसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 12th क्लास का। यहाँ पर फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करके आपने सर्टिफिकेट किया है या डिग्री है आपके पास या डिप्लोमा है, तो अगर डिग्री है तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा जो भी हो वो उसका नाम डाल देना है, उसका पासिंग ईयर डाल देना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम डाल देना है, यहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम डाल देना है, और यहाँ पर परसेंटेज। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको डू यू हैव पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज,
अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जो भी किया हो तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज से किया है तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन में आर यू सर्विंग इन गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड ऑटोनोमस, यहाँ पर आप पहले से अगर सर्विस में हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको हैव यू वर्क एज संविदा एम्प्लॉय ऑन द सेम पोस्ट पर, अगर है संविदा बेस पे तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपको जो है अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना है यहाँ पर अपना। उसके बाद में यहाँ से अपना स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना स्टेट। उसके बाद में यहाँ से आपको इस बॉक्स में अपनी सिटी डाल देना है, यहाँ पर आपको पिन कोड पिन नंबर डाल देना है अपने एरिया का, इस बॉक्स में अपनी वैलिड ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा फॉर्म भरते समय वो वैलिड नंबर डालना है आपको मोबाइल नंबर। उसके बाद में आप जो एड्रेस ऊपर डाल रहे हैं वही एड्रेस आपका सेम है, परमानेंट और लोकल दोनों सेम है, तो आप इस डब्बे पर टिक कर सकते हैं। और अगर अलग से आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ से इसको फिल कर देना है, परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स में अलग से डाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बैंक की डिटेल डाल देना है अपनी, यहाँ पर बैंक डिटेल में सबसे पहले अकाउंट नंबर आ जाएगा आपका, यहाँ पर बैंक का नेम आ जाएगा, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, यहाँ पर अपनी बैंक का आईएफएससी कोड आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से फॉर प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिटी के लिए पहला ऑप्शन दे देना है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन दे देना है, इसके बाद में इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन दे देना है एग्ज़ाम सेंटर के लिए। उसके बाद में ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल के और ये इस पर बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे फिर आपके सामने फ़ोटो का ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपना इस प्रकार से फ़ोटो और नीचे साइन रहेगा वो अपलोड कर देना है यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करके। फिर उसके बाद में आपको इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट करना है, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट ओटीपी इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये देख लीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जो भी हो आपकी क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे 10 की मार्कशीट अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ पर 12th की मार्कशीट आ जाएगी। उसके बाद में OBC इनकम सर्टिफिकेट वो आ जाएगा, यहाँ पर MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ पर एक्टिव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग वो आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वो आ जाएगा एक फ़ोटो आइडेंटिटी। उसके बाद में यहाँ पर इनको चॉइस फाइल पर क्लिक करके और अपलोड पर क्लिक कर देना है एक एक करके, तो वो अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद में यहाँ पर शो करने लगेंगे, फिर उसके बाद में अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिएगा इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने सारी डिटेल भरी है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों कैटेगरी वाइज सबकी फ़ीस लगेगी, तो यहाँ पर ये देखिएगा 1000 रुपये की फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस जो है 100 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ से इस पेज का प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं, फ़िलहाल के लिए सेव करके रख सकते हैं इसे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इस पर क्लिक कर देना है आपको, तो यहाँ से आपको क्लिक करके अपने फॉर्म की पेमेंट कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी हो इससे इंटरनेट बैंकिंग इससे किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करके यहाँ से अपना कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर कार्ड की एक्सपायरी मंथ, यहाँ पर ईयर, CVV नंबर और यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, ये डाल के आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर MP
पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से घर बैठे भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।